कुआना बहुत क्यूट सा प्रजाति है ये, जीएस पेपर 3.0 में आपको नजर आएगा, और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड, कुआला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही क्यूट सा प्रजाति है ये कुआला। तो ऑस्ट्रेलिया ने कुआला को एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया है, क्योंकि कुआला जिस पेड़ पर रहता है, मार्सुपियल्स इकोलिप्टस ट्री, जिस पेड़ पर ये रहता है, मार्सुपियल इक्विलिप्टस पेड़, तो ये बहुत तेजी से जो है वो खत्म होते जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया की है वहां पर। तो इसी चीज को देखते हुए कुआला को एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कुआला एक एर्बोरियल यानी कि वृक्ष संबंधी हर्बीवोरस मार्सुपियल है, क्योंकि ये मार्सुपियल के इकोलिप्टस पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो और ये कहां का, ऑस्ट्रेलिया का प्रजाति है, और सिर्फ बताया जाता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये है फैस्कोला टाइडे, फैस्कोलार टाइडे। तो फैस्कोलार टाइडे का ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि ये एक और मतलब उसकी जो फैमिली है तो उसी का ही एक पार्ट हम लोग को नजर आता है। और क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव जो है ये वॉर्म बैट्स का है, जो कि अगेन एक वॉर्म बेटाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये चीज है, तो पीडीएफ में आप इसको जो है वो स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा। बाकी मेन चीज ध्यान में रखो कि ऑस्ट्रेलिया का ये प्रजाति है कोआला, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो घोषित किया हुआ है। और ये स्पीसीज जो थी वो वल्नरेबल थी 10 सालों से, राइट। और इवन न्यू साउथ वेल्स, जो हम लोग को ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी देखने को मिलती है, क्वींसलैंड, तो वहां पर भी ये वल्नरेबल की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है। और एंडेंजर्ड स्टेटस का मतलब साफ साफ ये है कि स्पीसीज और उसका फॉरेस्ट होम जो है उसको और ज्यादा ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, इस प्रजाति को और गंभीर तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन देना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ना ही सिर्फ कुआला को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि और भी दूसरी जो प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है इस क्षेत्र में रहती है, तो उनको भी इस चीज के कारण प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी। तो ये सिंपल सी चीज है कुआला से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा।